यूकेजी के बच्चा हमरा संग छथि और जे कि क्लास टॉपर छथिन। क्लास टॉपर छी अहाँ? हाँ। कतेक समय दै छलिए घर पर पढ़े के लेल? तीन चारि घंटा पढ़े छथिन एते छोट एज मे छै से स्कूल मे? पढ़े मे बहुत छै, बहुत ज्यादा से ज्यादा मेहनत करै छी। बहुत सुंदर विद्यार्थी छै, बढ़िया से बढ़िया मेहनत कए रहल हन। हम सब उम्मीद करै छी स्कूल से अगर रहि गेलै आगामी जाके सब बढ़िया आउट टॉपर मे हेता। पूर्णता विश्वास से जे स्कूल में छे से बच्चा के बढ़िया पढ़ाई? जी जी, पढ़ाई बढ़िया है छे, बहुत सुंदर पढ़ाई है छे, तेम कोनो कमी नहीं छे। आगु आबे वाला समय में छे से बढ़िया रिजल्ट बच्चा लोग? जी बढ़िया रिजल्ट है, बच्चा पर सबसे ज्यादा भरोसा है, हमर बच्चा बहुत ठीक है, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आते। बढ़िया मैनेजमेंट छे? जी जी जी, बढ़िया मैनेजमेंट। मतलब हम छी ब्रजनंदन चौधरी और अपने सब गोटा देख रहल छी जी मिथिला। हम सब गोटा एखन बिरौल के श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल में छी और फाइनल एग्जाम के छै से फाइनल रिजल्ट आबि गेलै और पेरेंट्स सब कतेक बेसी खुश छै ई अपने सब गोटा के आइ देखा के लिए सामने एलो हन। लगातार छै हम सब गोटा एक साल में जे स्कूल के मूवमेंट रहै छै ओकरा छै से देखाबैत रहै छी और एतुका जे स्कूल के संचालित करै छै सर संक्षेप और हिनको से बातचीत अपने सबके करब और पेरेंट्स सबके हिनको सबसे बातचीत करब जे विश्वास पर छै से स्कूल के विश्वास पर उतरे छै और अपन बच्चा के लोग छै से स्कूल में एडमिशन कराबै छै और एक साल के सफलता छै से उसका दिन के इंतजार रहै छै। सबसे पहले सर के बधाई लो के देब जे अई बच्चा सबके छै इस मौका लो के दै छथिन स्कूल में आबे के लेल और बढ़िया छै से बच्चा के रिजल्ट आबै छै। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई अहाँ के। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मिथिला के और खास कर के जी मिथिला के जै तरह अहाँ एहि क्षेत्रमे लऽ कऽ चलि रहल छी आओर हर एक छोट छोट पहलूके विशेष रूपसँ ध्यान रखै छी, अहाँ बहुत ही अधिक धन्यवादके पात्र छी। सर एहन तरहक छै से बच्चाके रिजल्ट आबै छै जाहिसँ से हमसब गोटा इसकुलके बारेमे जानै छी आओर क्षेत्रके जे ग्रामीण क्षेत्रमे छै सुदूर क्षेत्रमे छै से एहन इसकुल छै आओर एतुका जे मैनेजमेंट रहै छै बहुत नीक तरीकासँ रहै छै। एकटा CBSE बोर्डमे जे हेबाक चाही ओ छै से लगातार पेरेंट्स हमरा सब गोटाके कहैत रहै छै। तऽ की देखलियै हन एतुका बच्चा सबमे आओर एतुका पेरेंट्स सबमे? एतुका बच्चा जे छै अहाँके काफ़ी प्रतिभाशाली छथि, केवल हुनका तराशक जरूरत छलै जेकि एगो हम एगो छोट माध्यम बनबाक कोशिश केलहुँ हन कि एहि सुदूर क्षेत्रमे किछु एहन व्यवस्था प्रदान कयल जाए कि शिक्षाके अलख जगायल जाए आओर ओहि तरहे एतुका बच्चा दुनू हाथसँ एकरा अपनेलथि हन आओर उच्च पदस्थ होबाक लेल आओर केवल शिक्षे नहि ई विद्यालय शिक्षासँ संस्कार तक लेल उत्प्रेरित कऽ रहल छथि कि शिक्षा तऽ आओर शिक्षासँ शिक्षित भऽ कऽ लोक रावणो बनै छै आओर अहाँ देखने हेबै कि बहुत सारा जे छै टेररिस्ट छै ओहो शिक्षित छै आओर उच्च शिक्षा छै, अहाँ लादेनके विषयमे सेहो सुनने हैब। तऽ ताहि दुआरे हमर विशेष प्रयास छै कि केवल विद्यालय शिक्षे प्रदान नहि करै, हुनकर एक एक बच्चाके अंकेक्षण जे छै हुनका जे हम पहिले कहलहुँ कि शिक्षासँ संस्कार, मतलब एक एक चीज अनुशासन तऽ बहुत सारा चीज छै कि हुनका ओहि बच्चामे विकसित कयल जाए। तऽ विद्यालयके उच्चतम प्रयास हरदम इएह रहतै कि शिक्षा तऽ देले जाए जेकि शिक्षा केवल संस्कार दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आओर हमरा सब गोटाके कतौ ने कतौ एहि चीज पर छै से गर्व करै छी आओर इसकुलमे आबै छी। ओना हम की कहब एहि पेरेंट्स सबसे बातचीत करबै छी आओर हिनका सबसे जानै छी जे केहन रहलै एक साल के सफर बच्चा के आओर कई तरह से विश्वास कऽ के छै से अपन बच्चा के इसकुल मे एडमिशन करेलखिन। इसकुल टॉपर छथि जेकि एहि बेर एहि इसकुल के टॉपर भेलखिन हन, हिनकर पेरेंट्सो छथि, हिनकर पेरेंट्स के तऽ खुशी हमसब गोटा देख रहल छी आसमाने पर छै। ओना एहि बच्चा से बातचीत करै छी। प्रियांशु कतेक बेसी खुशी छै स्कूल टॉपर भेलो हन? बहुत ज्यादा खुशी छै आओर ई पहली बार जे छै एहन सफलता मिललै हन तऽ कनी आओर ज्यादा खुशी छै। कतेक साल से पढ़ै छलियै स्कूलमे? 8-9 साल से पढ़ि रहल छै स्कूलमे। मतलब बच्चा से लऽ के एखन तक छै सही स्कूलमे पढ़ै छै? हाँ। तऽ मतलब की देखलियै एतुका टीचर सबके कई तरहक व्यवहार रहै छै, केना छै से पढ़ाबै छथिन? एतुका टीचरो सब बहुत अच्छा छै, बच्चाके समझाबैके पूरा कोशिश रहै छै आओर बच्चा अगर नहियो समझै छै तऽ ओ अपन डाउट जे छै से टीचर से वएह टाइम पूछि सकै छै जाहिसँ बादमे कोनो पढ़ैमे समस्या नहि होइ छै। तऽ हमसब गोटा छै से CBSE बोर्डमे एडमिशन करबाबै छी, तऽ हमसब गोटा जे बाहरमे सुविधा देखै छी सुविधा छै से इसकुलमे भेटै छै? हाँ, अगर शहरी इसकुलके बात कयल जाए तऽ ओहिके कम्पेरिटिवमे इसकुल एहि क्षेत्रमे बहुत अच्छा करै छै आओर दूसरा इसकुलके मुकाबले बहुत अच्छा छै। बहुत बढ़िआँ छै। हाँ, नीक लागलै ई 9 सालके सफर? हाँ।
देख रहल छी जे बच्चा सब सब गोटा बातचीत के लिए तो कहले थन जे बहुत हमरा सब गोटा के नीक लागल और 8 साल 9 साल से ही स्कूल में हम सब गोटा बीतेलो हन। लेकिन इनकर पेरेंट्स से हिनका से बातचीत करे छी और हिनका से जाने छी हम सब गोटा देखे छी ग्रामीण क्षेत्र में अगर CBSE बोर्ड के स्कूल रहे छै तो ओठाम से 1 साल 2 साल पढ़ा के छै से पेरेंट्स अपन बच्चा के हटा दे छै तिन के ओय तरह के मैनेजमेंट से नहीं भेट पावे छै बच्चा के पीछा और पेरेंट्स के तो की देखे छी जे एतय छै से बच्चा के एक ठाम छै से 9 साल पढ़ेनाइ ई बहुत बड़का बात है छै तऽ की देख लिए बच्चा के एडमिशन करबेने छलिए। हमर त हम खुद शिक्षक छी और शिक्षा के हम बहुत निकट से खुद समझैतो छिए त ए एरिया में तो बहुत सारा स्कूल ओय टाइम हालांकि ओय टाइम ई दोसर स्कूल बिरौल में खुलल छले और शायद हम फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग ए स्कूल में हम अपन बच्चा के हमर लड़की और लड़का दोनों एतय से शिक्षा लड़की तो हमारे बेर 10वीं के बोर्ड परीक्षा दलखिन हँ और ई क्लास 8 में और हम एगो छोट बात बतबै छी बच्चा जे छै से हमर शुरुआत जखन एकर हम पढ़ाई स्टार्ट केने रहिए फ्रॉम UKG तऽ स्कूल के डायरेक्टर छथिन ब्रजेश जी तो कनी हमरा हुनका संगे मित्र भाव सेहो छला तो ई स्कूल आबै ले नै चाहै छलै तो हम हुनका कहलिए जे अहाँ कनी टॉफी सब दियौ एकरा है ना और आइ ओ बच्चा स्कूल टॉपर छै तो ई एगो बहुत पैघ बात छै जे एक माय बाप जे होइ छै चाहै छै हरेक माय बाप जे हमर बच्चा बढ़िया से पढ़ै लेकिन ओहि बच्चा के अहाँ किछु समय दियौ और ओहि बच्चा के लेल एहन अवसर दियौ जे बच्चा में अहाँके बुझाइए जे भऽ सकै छी बच्चा हमर पढ़त कि नहि पढ़त कि एकरा में क्वालिटी छै कि नहि छै तऽ ई मतलब भऽ सकै छी बच्चा भविष्य में यदि ओकरा बेहतर माहौल देबै अहाँ बेहतर टीचिंग देबै एनवायरमेंट देबै और खुद से सेहो कनी ओकरा पर ध्यान रखबै तऽ जकरा से अहाँ बुझै छलिए जे बच्चा की करतै ओ बहुत बढ़िया करै छै तऽ माँ बाप के लेल खास कए कऽ क्षेत्र में जे ग्रामीण क्षेत्र छै एतुका माँ बाप बहुत अपना बच्चा पर ध्यान नहीं दे छथिन तो बच्चा पर अहाँ घर में सेहो ध्यान दियो और स्कूल से तहन अहाँ बेहतर अपेक्षा करियो स्कूलों से अहाँ अपेक्षा करियो लेकिन अपनों खुद से ध्यान देवे तो अहाँ बच्चा बेहतर करत और CBSE बोर्ड में एडमिशन करेला से नहीं फायदा छै अहाँ अपन बच्चा के घरों पर छै से ध्यान लऽ के दियो। देखियो बोर्ड या अहाँ कहै छै ना जे बहुत सारा बेहतर बेहतर इंस्टीट्यूट छै लेकिन ओकर सारा बच्चा बेहतर नहीं भै पाबै छै हम आरोप लगा दै छियै कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होइ छै लेकिन हमर जे उत्तरदायित्व छै कतौ ने कतौ हम ओहिसँ पिछड़ै छियै अहाँ बच्चा के बेहतर माहौल दियौ अहाँ नहीं पढ़ल लिखल छै ठीक छै लेकिन अहाँ पढ़ल लिखल वाला माहौल तऽ घर में बनेबै जे हमर बच्चा देर तक पढ़ सकै छै ओकरा जे जे चीज जरूरी छै कॉपी किताब या ओकर ट्यूशन फी छै है ना बहुत सारे गार्जियन के कमी हम देखै छियनि जे बच्चा के पढ़बै छथिन पब्लिक स्कूल में लेकिन फी दै में हुनका बड़ी दिक्कत होइ छै तऽ ई कनी अहाँ ठीक छै मजबूरी छै तऽ स्कूल प्रशासन समझतै मैनेजमेंट समझतै लेकिन हुनको किछु रिक्वायरमेंट छै एहि चीज के अहाँ ध्यान में देबै तऽ ओ अहाँके बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करता ओहो हुनको से हम ई अपेक्षा करबै जे ओहो टीचर के बेहतर हरेक सुविधा देथुन ना स्कूल प्रशासन कनी एहि चीज पर कम ध्यान दै छथिन किछु टीचर किछु दिन रहल बढ़िआँ टीचर छै किछु बेहतर अपेक्षा करै छै अहाँ नहि करै छै ओ वापस चलि जाइ छै या कतौ दोसर स्कूल ओकरा लऽ लै छै तऽ एहि पर स्कूल प्रशासन के पूरा फोकस यदि अहाँ अपना स्कूल के बेहतर बनबै लए चाहै छियै तऽ टीचर के कैरियर के जेना एगो गवर्नमेंट सोचै छै जे हम टीचर को बेहतर करें उसी तरह से आप भी कीजिए तो हमको लग रहा है कि वो टीचर पूरा अपना बेस्ट देंगे और जो जितना उनके पास क्वालिटी है पूरा क्वालिटी वो बच्चों पर देंगे आपके संस्था को बेहतर बनाने में देंगे तो एहि रूप में CBSE में वाकई में छै बढ़िया व्यवस्था करै छै और देख लेलो जे हिनका सब सब गोटा बातचीत केलो जे कि अपने एकटा शिक्षक छथि लेकिन एतुका जे बच्चा के जे तौर तरीका से पढ़बे के या फिर एतुका टीचर के जे जे चीज एतय दिक्कत छलै सर छै से एकरा सामने रखले त और जे एकटा पेरेंट्स में हेबाक चाही कतौ ने कतौ छै से हम सब गोटा एहि चीज के देख रहल छी सब गोटा क्लासरूम में आबि गेल छी और देख सकै छी जे बच्चा के रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन छै ओ भऽ रहल छै और जे पेरेंट्स सब आबै छथि कनी सहयोगी देखाबे कोशिश करता जे पेरेंट्स सब आबै छथि हुनका छै से कतेक बढ़िया तरीका से समझायल जाइ छै शिक्षक के द्वारा और जे बच्चा के कई तरह से इम्प्रूवमेंट के जरूरी छै और बच्चा छै से कई तरह से और तैयारी क के बढ़िया रिजल्ट आनि सकै छथि से सर से जानै छी। सर की देखलिए बच्चा में और केहन रिजल्ट छलै? बच्चा पहले से काफी बेहतर हुआ है इस बार क्योंकि बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रही है कि पहले मैथ्स और साइंस में बहुत ही कमज़ोर था और उसके बाद फिर बच्चे में जिस तरह से हम लोगों ने निखार लाया हमारे मैथ्स के टीचर हमारे साइंस के टीचर ने इनको रिमेडियल क्लासेस के तहत बच्चे को और बेहतर निखार लाते हुए इनकी परसेंटेज पहले से कम 10% में ग्रोथ हमें दिखाई दिया तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इस तरह से अपना एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे
अपना एकेडमिक के साथ साथ सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो पाए। तो इस तरह से बच्चे में ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और आगे बेहतर कर पाएगा, ये हमारी शुभकामना है। ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा आबे छै खास कऽ के, और एहि क्षेत्र में छै से एहन तरह के स्कूल छै जतय छै से CBSE बोर्ड से बच्चा पढ़े छै, जतय कतौ न कतौ शुरू टाइम में बच्चा आबे छै तऽ बहुत कमजोर रहै छथिन और हुनका छै से इंग्लिश के कोनो तरह से ज्ञान नहि रहै छै, तऽ केहन तरह के बच्चा अहाँ सब लगन आबे छै और कई तरह से बना के पेरेंट्स के बच्चा के लोग दै छै? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। ये देखिए, एक तो ये सुदूर इलाका है और सुदूर इलाका हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पे बच्चे जो है थोड़ा सा डल एरिया से आते हैं, यहाँ पे बच्चे की जो भाषा से लेकर ज्ञान तक हमें हर एक इलाका में हमें काम करना पड़ता है। एक तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो इनकी भाषा उस लेवल तक नहीं होता है जो राष्ट्रीय भाषा के साथ इनका तालमेल नहीं हो पाता है। हमने सबसे पहले तो भाषा में सुधार करने के प्रति, केवल हिंदी में नहीं बल्कि हमारे जो सुदूर क्षेत्र के भाषा जो होता है वो इनके इतने नीचे होते हैं कि हम इनकी भाषा में पहले तो सुधार करने की प्रयास करते हैं ताकि एक उच्च स्तर की हिंदी बोल पाए। उसके साथ साथ फिर अपना भाषा सुधार करने के बाद फिर इनकी एकेडमिक वाइज सुधारने के लिए अंग्रेजी में फोकस किया जाता है। और अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, भाषा सुधार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी विषय में एक प्रेजेंटेशन क्लासेस करवाता हूँ। उसमें क्या करता है बच्चे कि जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस चैप्टर की अध्ययन बच्चे क्लास में तो करते ही हैं प्लस अपने ऊपर घर में जाकर भी ये अध्ययन करते हैं और फिर पूरा चैप्टर को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से क्लास में वितरण किया जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे में लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषा शिक्षण पद्धति जो होता है वो और अधिकम होते हुए आगे बढ़ने के प्रयास होता है। तो अंग्रेजी भाषा इस तरह से हम लोग फोकस करते हैं बच्चों में डाली जा सके। इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी जो निजी भाषा है उसमें भी हम लोग फोकस करते हैं, हम लोग कल्चरल एक्टिविटी करवाते हैं प्लस हम लोग निबंध प्रतियोगिता करवाते हैं कि अपनी भाषा किस तरह से और आगे बढ़ा जा सके। हमारी जो निजी भाषा है वो तो महत्वपूर्ण है ही प्लस उसके साथ साथ हमारी जो ग्लोबल लैंग्वेज है उसमें भी हमें फोकस करना चाहिए। ये मेरी बाकी सारे बच्चों से यही क्या है एक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।